वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप गूगल एप्स स्क्रिप्ट में सर्च बटन का उपयोग कर जो डेटा हमने गूगल शीट में फॉर्म से सबमिट किया था उसे वापस से ओपन कर सकते हैं। जैसा आप यहां देख रहे होंगे 1502 का एक इनवाइस बना हुआ है और इसमें 3 रिकॉर्ड्स है। मैं इसे ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर 1502 यह वह नंबर है जो यहाँ पर हमारा इनवाइस नंबर था, इसे हमने क्या किया सर्च बटन पर क्लिक किया। अब ये उसे सर्च करेगा और सर्च करके देखिए पूरा डेटा, कस्टमर का नाम, एड्रेस, सिटी और साथ में जो आइटम, उनकी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, सभी को इस शीट से यहाँ से रिट्रीव कर हमें यहाँ पर दिखा देगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके लिए मैंने क्या क्या कोडिंग की है वह बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 3 जगह स्क्रिप्ट में चेंजेस करना होगा, पहला HTML में, दूसरा जावा स्क्रिप्ट में और तीसरा एप्स स्क्रिप्ट में। सबसे पहले हम HTML के चेंजेस करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर एक सर्च बटन लगा, तो हम चलते हैं हमारी HTML फाइल पे जो मेरे लोकल कंप्यूटर पर है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें जैसे कि देख रहे हैं आप आइकॉन लगाना है, तो आइकॉन के लिए हमें एक CDN ऐड करना होगी। तो यह जो CDN है ये मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक लिंक स्टाइल शीट CDN JsDelivery से बूट स्ट्रेप आइकॉन वाली ऐड की है। तो इससे क्या होगा कि हम जो भी आइकॉन है वो यहाँ पर लगा पाएंगे। इसके बाद ये जो आप पहले मेरे पुराने वीडियो देख रहे थे उसमें से आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें मैं यह चेंजेस और बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यह बटन ऐड करना है इसी ग्रुप में। तो हम थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ करीब यहाँ पर देखिए जो हमारा इनवॉइस नंबर था, यहाँ पर हमारा इनवॉइस नंबर है, यह हमने बनाया था। तो यहीं पर हमने क्या किया, एक इनपुट लिया ग्रुप जिसे अपेंड किया ताकि पीछे से हमारा बटन जुड़ सके। और जो बटन है उसमें मैंने यहाँ पर ओन क्लिक पे सर्च कर एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन जो है ये कहाँ पर मिलेगा, मेरे जावा स्क्रिप्ट के कोड में मिलेगा। इस पर जो आइकॉन आ रहा है आइकॉन देने के लिए BI सर्च मैंने आइकॉन लगा दिया ताकि आपको ये इस तरह से सर्च बटन दिख रहा है। और ये इसी ग्रुप में मर्ज होके आया है, इसी ग्रुप में मर्ज होके लाने के लिए हमने क्या किया है इसे इनपुट ग्रुप अपेंड में लगा दिया है। तो अब जब भी आप बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सर्च फंक्शन कॉल होगा। अब यह जो सर्च फंक्शन है यह हमने क्या किया है, जो हमारा लोकल मशीन पर ही इनवॉइस JS है उसमें सबसे नीचे जाके एक फंक्शन बना लिया। अधिकतर मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको सेम टाइम पर ही कोडिंग लिख के बताता हूँ, उसमें क्या होता है समय ज़्यादा लगता है। तो कम समय में बताने के लिए मैंने पहले से पूरा बना के रखा है और एक एक स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो आपने यहाँ पर सर्च बटन को क्लिक किया, सर्च बटन को क्लिक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से इसने इनवॉइस नंबर की वैल्यू गेट की। हाँ, एक चीज़ और आपके इसमें यह हो सकता है कि यहाँ पर हमने जो अभी बनाया था उसमें ID नहीं दी थी, सब में नेम दिए थे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैं छोटी कोडिंग में काम कर लूँ इसलिए मैंने यहाँ पर INV नंबर का ID दे दिया और इस ID से मैंने क्या करा वैल्यू गेट कर ली। तो आप जो भी नंबर टाइप करेंगे वह मेरे पास इस वेरिएबल में होगा। अब इसके बाद हमने क्या किया कि हमारा जो एप्स स्क्रिप्ट का हम कोड लिखेंगे तो उसको कोड को डिप्लॉय करने के बाद जो लिंक आएगी वो AZ आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पर लिंक को मैंने बार बार यूज़ किया है तो मैंने इसे सबसे पहले टॉप में वो मेन जो बीच का पार्ट है वो यूज़ कर रखा है। तो मैं केवल आपको इस तरह से बता रहा हूँ। अब हमें इस लिंक में 2 आर्गुमेंट पहुंचाने होंगे, एक तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम पेज में क्या पहुंचा रहे हैं, सर्च, यानी कि मैं जो गेट को कॉल कर रहा हूं वो सर्च के लिए कॉल कर रहा हूं। और दूसरा मुझे पर्टिकुलर एक नंबर पहुंचाना है तो मैंने एक आर्गुमेंट NO पहुंचाया और NO में ही मैंने NO की वैल्यू पहुंचा दी। तो जब मैं आपको एप्स स्क्रिप्ट बताऊंगा तो आप विशेष ध्यान रखिएगा पेज का और यहाँ पर NO का। तो पेज में सर्च आ रहा है और NO में हम जो भी टाइप करेंगे, जैसे मैंने 1502 टाइप करा तो वो यहाँ से इसमें पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एप्स स्क्रिप्ट का काम चालू होगा। तो वह हम थोड़ी सी देर में समझते हैं, हम अब आगे समझते हैं क्या होगा। जो एप्स स्क्रिप्ट से डेटा आएगा उस डेटा में हम एक तो चेक कर लेंगे कि क्या ये डेटा मिला या नहीं, हो सकता है आप कुछ ऐसा नंबर दे दो जो डेटा नहीं है। तो नॉट फाउंड के केस में हमने क्या किया, एक अलर्ट बता के इनवॉइस नंबर नॉट फाउंड बता दिया। और दूसरा हमने क्या किया, उस डेटा को जो डेटा हमने नेट वहाँ से एप्स स्क्रिप्ट से लाए उस डेटा को हम क्या करेंगे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए क्या हुआ, अगर आप समझेंगे कि जब इस इनवॉइस का डेटा आएगा तो यह इतना पूरा बंच वहाँ पर रिटर्न होता है।
तो इसमें आप देख रहे होंगे पहली लाइन में जो डेटा है वो मेरा हेडर का है और बाकी जो लाइन में डेटा है वो मेरा सारा डिटेल का है, जो मुझे आइटम जो मुझे लेना है। ठीक है, अब ये जो पूरा डेटा है यहाँ से आकर यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड वाले वेरिएबल में आएगा। रिकॉर्ड में हमने क्या किया, डॉलर ईच लगाया, तो डॉलर ईच क्या करेगा, हर एक एक रो को अलग अलग कर देगा और जो एक एक रो है वो हमारे पास एक वैल्यू में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पहली रो को अलग किया, तो पहली रो है ना हमारे पास यह वाली रो आएगी। तो इस रो में हमने क्या किया कि एक और वेरिएबल ये आई और उसमें हमने काउंटिंग चालू की, तो सबसे पहले आई जीरो होगा। तो जब पहली पोजिशन पर यानी कि जो पहली बार जब ये इसे अलग तो उसमें से मैंने क्या किया, आप देखेंगे कि वैल्यू वन, उसके बाद वैल्यू टू, वैल्यू थ्री और वैल्यू फोर, यानी कि पहले कॉलम को छोड़ के यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में कोई भी एरे में जो पहली वैल्यू आती है वो जीरो में आती है। तो पहला मेरा जो नंबर था, कॉलम था, वो तो इनवाइस था, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने इसे छोड़ा और आगे से वन टू थ्री फोर, तो वन टू थ्री और फोर इनको मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में लिया और उसके बाद उसकी वैल्यू को इनवाइस डीटी, कस्टमर नेम, एड्रेस और सिटी, यह मेरे कौन से HTML के कॉलम है जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन पर इन्हें सेट करा दिया। तो यहाँ पर वैल्यू सेट हो गई, यहाँ पर हमने जीरो पे पहुँचाया क्योंकि हमें सबसे पहले एक ही कॉलम है उसी पर वैल्यू सेट करना थी। अब आप यहाँ पर एक देख रहे होंगे मैंने सब स्ट्रिंग लगाया, ये इसलिए लगाया कि जो डेट की वैल्यू है वो भले दिखाई तो हमें केवल इतनी सी रही है, 10 डिजिट ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे समय भी आता है, तो उस समय को मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो जब पहली बार लूप चलेगा, जब पहली बार वो रो को अलग करेगा, तो पहली रो का डेटा मैंने क्या करा, मेरे हेडर में सेट करा। उसके बाद जितना भी डेटा है वह मैंने क्या किया, उसी लूप का उपयोग कर आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट जो कि मेरे डिटेल वाले कॉलम है, यहाँ के कॉलम है, इन पर वैल्यू को सेट करा दिया। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने खोला था तो वहाँ पर रो तो थी नहीं, तो हर बार जब लूप चले तो हमें रो बढ़ाना थी, और जब पहली बार लूप चलना है तो एक रो जो थी वो ऑलरेडी थी, तो ऑलरेडी रोकने के लिए कि फर्स्ट टाइम पे जब डिटेल का डेटा पंच करे तब पहली बार बटन एट कॉल ना हो और हर बार फिर बटन एट कॉल हो जाए। तो आगे की जो वैल्यू है 5, 6, 7, 8 यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 5, 6, 7, 8 ये सारी वैल्यू हमने लूप लगा कर यहाँ पर वैल्यू सेट कर दी। अब इसके बाद i को केवल इंक्रीमेंट किया है यहाँ पर, और इंक्रीमेंट करने का जो वैल्यू सेट हो उसके बाद गेट टोटल फंक्शन हमने पहले बनाया था उसे कॉल कर दिया, ताकि ये जो टोटल है यहाँ पर, इन सब का जो टोटल है वो यहाँ पर आ सके। इतना हुआ, इसके बाद आपको सारे ब्रैकेट बंद करना है और आपका जावा स्क्रिप्ट का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं एप्स स्क्रिप्ट पर। यह मैंने एप्स स्क्रिप्ट ओपन किया, कोड वही है जो हमने पहले लिखा हुआ था। इसमें जो एक मेजर चेंज है वह ये कि हम यहाँ पर गेट ओपन बाय URL कर यूज़ कर रहे थे, तो इसमें मैंने गेट एक्टिव स्प्रेडशीट ले लिया। ये क्या होता है, जब भी आप लोग इसमें से देख के कोड लिखते हैं तो वही URL आप लिख देते हैं, फिर आप जब उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो वो होता नहीं है, तो फिर उसके कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए हमने इसका तो ये आपके इसमें काम करने लगेगा। बस आपको शीट के नाम का ध्यान रखना है। अब मेरी जो शीट का नाम है वो INV से डेटा उठा रहा हूँ, यहाँ पर इसका नाम INV है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, INV वाली में इसका डेटा लिया है। पोस्ट सेम वैसा का वैसा ही लिखा हुआ जो डू गेट है। डू गेट में आपको देखो मैंने बोला था पैरामीटर का आप ध्यान रखना, तो एक पैरामीटर है पेज, हमने जो कॉल किया था तो इसमें पेज का नाम आएगा, तो यह लूप नहीं, यह वाली कंडीशन नहीं चलेगी, यह भी नहीं चलेगी, सीधी को पहुँचाया था। उसके बाद हमने एक पैरामीटर और लिया था जिसको हमने क्या किया था, एनो लिया था, तो एनो की वैल्यू यहाँ आ जाए। अब यहाँ से मैं आपको एप्स स्क्रिप्ट का कोड मैनुअल, अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको सर्च करना कंट्रोल एफ करके 1502 टेक्स्ट फाइंड करना, तो टेक्स्ट फाइंड में मैं बोला मैच इंटायर सेल, मतलब इन पूरी इसमें आप सर्च करो और सर्च करने के बाद फाइंड आउट, मतलब कितनी भी बार आ रहा हो हमको रिटर्न कर दो। तो मुझे पता है कि मैं जो नंबर दूंगा या तो वो
फैक्टर मिलेगा, तो हमेशा इसमें क्या होगा, एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो जो एक वैल्यू रिटर्न हुई उसे मैंने फोर ईच का लूप लगाया। वैसे यहाँ आवश्यकता नहीं थी फोर ईच की, आप इसे डायरेक्ट भी ले लेते, लेकिन आगे मैं इसे कुछ इंप्लीमेंट करके बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फोर ईच का लूप लगाया। इसमें हमारे पास रेंज आ गई, और रेंज में कौन सी आ गई, रो आ गई। तो यहाँ पर आपके पास स्टार्ट रो में कौन सी रो आ जाएगी, 7 नंबर आपके पास आ जाएगा। यह एक यूनिक आईडी होती है और इसकी बेस पर हम आगे वर्क करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 7 रो आ गई। अब हम थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि आपने जो नंबर टाइप किया वो ऐसा नंबर है जो उसे नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा नहीं आएगा। तो स्टार्ट रो में क्या रखा रहेगा, 0 रखा रहेगा। तो ये इस लूप में नहीं जाएगा, इस कंडीशन में नहीं जाएगा, और एल्स में क्या रिटर्न कर देगा, नॉट फाउंड। आपको ध्यान हो मैंने जो जावास्क्रिप्ट का कोड बताया था उस पर यदि नॉट फाउंड आया तो हमने एक अलर्ट लगाया था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले हमने नॉट फाउंड पर अलर्ट लगाया था, तो यह वाला वर्क यहाँ से हो जाएगा। अब हम और आगे चलते हैं कि हमने क्या करा, पहले इसमें तो ये सर्च कर लिया कि कहाँ से डेटा है। तो डेटा जो स्टार्ट रो है वो हमारे पास क्या गया, 7, हमारे पास 7 है। उसके बाद हम अब हम क्या सर्च करेंगे कि मुझे यह कैसे पता लगेगा कि मेरी इनवाइस कहाँ ख़त्म हो रही है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर अगर ब्लैंक है तो मेरी इनवाइस एंड हो जाती है, यहाँ से दूसरी चालू हो गई। तो मैं क्या करूँगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठे कॉलम के, मतलब आठवें से यहाँ पर कुछ सर्चिंग चालू करूँगा कि जब तक इसमें वैल्यू मिले, जब तक आप आगे बढ़ते चलो। तो इस लॉजिक को लिखने के लिए देखो मैंने क्या, एक फॉर का लूप लिखा। आई में मैंने स्टार्ट वैल्यू प्लस 1, स्टार्ट वैल्यू थी 7, तो मैंने दे दिया 8, और इस 8 के बाद से मैंने 10 रिकॉर्ड तक, मैं ये मान रहा हूँ कि मेरी मैक्सिमम इनवाइस 10 होगी। यदि आपके पास ज़्यादा डेटा हो तो आप इसे बढ़ा सकते हो, मैं बढ़ा भी दूंगा तो इससे कोई इशू नहीं है, लूप हमारा बीच में से ही ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने एक मैक्सिमम मान के 10 लिखा है, आप बढ़ा सकते हैं, आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमने क्या किया, देखो रेंज में से आई से 6th कॉलम, मतलब ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई, तो मैंने क्या करा, वैल्यू है वो क्या हो गई, 7 + 8। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क आएगा, हमने चेक करा क्या ये खाली है, तो इसने बोला नहीं ये खाली नहीं है, तो ये लूप चलता रहेगा। तो ये लूप क्या हुआ, एक बार और चलेगा, ये लूप यहाँ तक है, ठीक है, फिर लूप चलेगा, 8 की जगह 9 हो जाएगा, फिर 9 की जगह 10 हो जाएगा, ऐसे चलते चलते ये यहाँ पर आएगा 11 पर। जैसे ही 11 पर आएगा तो इसे ब्लैंक मिलेगा। तो 11 पर आने के बाद आई में 11 होगा, तो ये आई को रिटर्न क्या, अब हमें बहुत सिंपल सा काम है कि हमें एक रेंज उठाना है। तो रेंज मुझे क्या उठाना है, ए 7 से, मेरा क्या था 7, तो ए 7 से लेके मुझे कहाँ तक का डेटा से उठा, और 10 यहाँ पर आया, तो आई 10 की जो वैल्यू में ली, टेबल को मैंने जेसन स्ट्रिंगिफाई किया तो ये एक स्ट्रिंग बन गई, और इस स्ट्रिंग को मैंने रिटर्न कर दी। तो हमने यह पूरा डेटा ऐसा कर यहाँ से रिटर्न करने के बाद का आगे का कोड पूरा जावास्क्रिप्ट में जो मैंने आपको अभी समझाया था वो क्या होगा, डेटा यहाँ पर सेट कर देगा। बस इतना किया, इसके बाद आप इसे डिप्लॉय करें। डिप्लॉय की लिंक जो है वो आप आपके इंडेक्स के जो पेज है इस पर भी आपको सबमिट भी करना होगी। जब आप यहाँ पर आके इसे क्लिक करेंगे तो ये डेटा पूरा यहाँ बता देगा। मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद मैं कोई सा दूसरा रिकॉर्ड आपको, देखो यहाँ हम जब तक देखते हैं हमारे पास एक 1503 रिकॉर्ड भी है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 आइटम है। तो हम क्या करते हैं, 4 की जगह यहाँ 3 कर देते हैं, और 3 करके जब हम रिट्रीव करेंगे तो ये इस तरह से क्या करेगा, डेटा ला के बता देगा। अब मैं आपको एक बार पूरा फ्लो भी बता देता हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक किया, सर्च बटन पर क्लिक किया, तो ये कैसा चलेगा, यहाँ से ये जाएगा सर्च बटन पर, यहाँ से ये एप्स स्क्रिप्ट कॉल करेगा, एप्स स्क्रिप्ट पर यहाँ से पेज में सर्च और नंबर में आप जो नंबर दोगे वो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये एप्स स्क्रिप्ट में आएगा, एप्स स्क्रिप्ट में यह डू गेट फंक्शन कॉल होगा, डू गेट्स में यह पेज को देखेगा, पेज को देखने के बाद ये सर्च में आएगा, सर्च में आपका नंबर यहाँ पर आएगा, उस नंबर को मैंने जो भी लॉजिक बनाया उससे सर्च करके
स्टार्ट और एंड ड्रॉअर निकालेगा, या तो नॉट फाउंड रिटर्न करेगा या पूरी की पूरी रेंज रिटर्न कर देगा। तो जो रेंज रिटर्न करेगा वो यहाँ से जावास्क्रिप्ट के डेटा में आएगी, डेटा से हमने जो भी लॉजिक लगाया है उससे डेटा आपकी स्क्रीन पे सेट हो जाएगा, या फिर वो अलर्ट में मैसेज दे देगा कि मुझे डेटा नहीं मिला, और अगर हुआ तो ये डेटा पेज पर सेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो आशा है मुझे आपको HTML के वैल्यू पहुँचा के, यानी कि सर्च बटन का उपयोग कर गूगल शीट से डेटा किस तरह से दिखाया जाता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डेटा यहाँ पर लेके आए हैं इसमें कुछ चेंज कर, या तो चेंज करके वापस से सबमिट करने पर यही डेटा किस तरह से अपडेट भी कर सकते हैं वह मैं आपको बताऊँगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.